भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के स्नेहमयी और सभी का ध्यान रखने वाली छवि को भुलाया नहीं जा सकता। सुषमा स्वराज की आज पहली पुण्यतिथि है। सुषमा स्वराज का आज ही के दिन 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने कई फैसले लिए जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। चाहे शादी से ठीक पहले पासपोर्ट खो जाने का मामला हो या फिर यमन में फंसे हजारों भारतीयों की जिंदगी का सवाल हो, हर परिस्थिति में सुषमा स्वराज जो भारतीयों के लिए संकट मोचन बनकर सामने आई। यमन में चलाया ऑपरेशन राहत। साल 2015 में युद्धग्रस्त यमन में जब विद्रोहियों और यमन सरकार के बीच जंग छिड़ी तो वहां काम कर रहे हजारों भारतीय इस जंग में फंस गए। जब भारतीयों ने विदेश मंत्री से मदद मांगी तो उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए विदेश राज्य मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह को यमन भेजा। फिर भारत सरकार ने वायुसेना के जरिए यमन में ऑपरेशन राहत चलाकर इस अभियान में न सिर्फ अपने 4,640 देशवासियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला बल्कि 2,000 के लगभग 48 अन्य देशों के लोगों को भी बचाने में कामयाबी हासिल की। हामिद अंसारी पाकिस्तान जेल में 6 साल बिताकर पिछले दिसंबर भारत लौटे थे। मुंबई निवासी अंसारी कथित तौर पर ऑनलाइन दोस्त बनी लड़की से मिलने 2012 में अफगानिस्तान गए। 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान चले गए थे। बिना वीजा के पाकिस्तान में घुसने की सजा में उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। सजा पूरी करने के 3 साल बाद भी उन्हें पाकिस्तान की जेल से रिहाई नहीं मिली। सुषमा की पहल पर ही हामिद अंसारी को 18 दिसंबर 2018 को स्वदेश लौटाया गया। भारत लौटने पर अंसारी ने अपने माता पिता के साथ साथ विदेश मंत्रालय के दफ्तर में सुषमा स्वराज से मुलाकात की, जहां अंसारी की मां ने सुषमा स्वराज को मैडम महान बताया था। जब एक नवविवाहित दंपति की मदद को आगे आई सुषमा। दिल्ली में रहने वाले फैजान पटेल ने अपनी पत्नी के साथ यूरोप में घूमने का प्लान बनाया। यूरोप के लिए दोनों का टिकट भी बुक हो चुका था, लेकिन ट्रिप से जाने से पहले ही फैजान की पत्नी का पासपोर्ट खो गया, जिसके बाद फैजान पटेल अकेला ही घूमने निकल गया। साथ ही उसने अपनी पत्नी के फोटो के साथ अपनी एक तस्वीर सुषमा स्वराज को टैग कर ट्वीट कर दी। फैजान ने लिखा कि मैं फिलहाल इस तरह से अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहा हूं। फैजान के ट्वीट पर सुषमा ने जवाब देते हुए कहा, अपनी पत्नी से कहिए कि मुझसे संपर्क करेंगी, मुझे यकीन है कि वो अगली सीट पर आपके साथ होंगी। पाकिस्तान से वापस ले आई थी भारत की बेटी को। 26 अक्टूबर 2015 को सुषमा स्वराज के प्रयासों की वजह से ही मूक बधिर लड़की गीता की एक दशक के बाद पाकिस्तान से स्वदेश वापसी हो सकी थी। गीता भटक कर पाकिस्तान जा पहुंची। उसके परिवार की तलाश में विदेश मंत्रालय ने खूब प्रयास किए। सुषमा ने अपील करते हुए कहा था कि जो भी गीता के माँ बाप हों सामने आए। उन्होंने कहा था कि मैं इस बेटी को बोझ नहीं बनने दूंगी, इसकी शादी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। कुलभूषण यादव को परिवार से मिलवाया। यह सुषमा स्वराज का दमखम था कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी और चुनौती दी। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि पाक कुलभूषण से उनकी मां और पत्नी को मिलवाने के लिए बाध्य हुआ। सुषमा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जाधव को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़े वह किया जाएगा। जाधव को मौत की सजा होने के 3 घंटे के भीतर ही सरकार सक्रिय हो गई और यह मामला पाकिस्तान से उच्च स्तर पर उठाया गया। इसके लिए विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से अवगत कराया। जब पाकिस्तान में कुलभूषण की पत्नी और मां के साथ हुए दुर्व्यवहार की खबरें आई तो सुषमा ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। वहीं अपनी माता की पहली बरसी पर बांसुरी स्वराज ने अपनी मां को याद किया। उन्होंने सुषमा स्वराज की एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी। बांसुरी ने ट्वीट कर मंत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। इसके अलावा बांसुरी ने लिखा, माँ तुम हमेशा मेरे साथ मेरी शक्ति के रूप में हो, हे कृष्ण मेरी माँ का ख्याल रखना। बता दें कि सुषमा स्वराज 1970 के दशक से ही राजनीति में सक्रिय रही। वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। मोदी सरकार 1 में वे विदेश मंत्री रही। वे मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से सांसद थी, लेकिन 2019 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सुषमा अटल सरकार में भी मंत्री थी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।